हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज चैनल पर। हरियाणा पोल खोल न्यूज आज आपको दिखा रहे हैं कि 22 मार्च को देश भर में कर्फ्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को जनता को कर्फ्यू में रखना है। इसको लेकर हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में प्रमुख लोग क्या बोले आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। साथियों, हरियाणा पोल खोल न्यूज भी आपसे अपील करता है कि 22 मार्च को अपने आप को एक दिन के लिए कर्फ्यू में रखें ताकि कोरोना जैसे वायरस से बचाव किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री भी देश की जनता से अपील कर चुके हैं, एक बार हम भी आपसे अपील करते हैं। धन्यवाद। पुलिस की तरफ से हमने सभी हंसीवासियों से अपील है कि कोरोना वायरस एक भयंकर बीमारी है जो फैल रही है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कल के लिए सभी देशवासियों से कहा कि अपने घरों में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे भी गैदरिंग ना हो, जहाँ पे 20 30 50 जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं या कोई शादी का प्रोग्राम है उसको थोड़ा लिमिटेड करें, ज़्यादा गैदरिंग ना करें। इसके लिए सभी से अपील है कि थोड़े से दिन के लिए अगर हम सभी जागरूक रहेंगे तो इस बीमारी से हम बचे रहेंगे और ये फैलने से बच जाएंगे, इसकी चपेट में आने से बच जाएंगे। हमने अपनी पुलिस के लिए यह है कि सैनिटाइजर है जो सभी है उसका यूज करें, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहें। सभी जो व्यापारी हैं वो उनसे भी अपील है कि थोड़ा दुकानों का यह है कभी एक दिन या एक दिन टर्नवाइज कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे बाजार में भी ज़्यादा भीड़ ना हो। सर, ये सब्जी मंडी में काफ़ी भीड़ देखी गई है, अफवाह हो रही थी सब्जी मंडी बंद रहेगी, उसके बाद दो दिन से लगातार भीड़ चल रही है। सर, ये नहीं, सब्जी मंडी बंद रहेगी इस प्रकार के हमारे पास तो कोई आदेश है नहीं। तो सर, वहाँ भीड़ मच रही थी दो दिन से लगातार शाम को, भीड़ है उसके लिए हमने अपने पुलिस के जवान हैं जो हमारे जो गश्त है कंटिन्यू, ज़्यादा भीड़ ना हो इकट्ठा, इसके लिए हमने अपने पूरे शहर में अपनी गश्त पैदल गश्त भी लगा रखी है और हमारी पीसीआर भी है, जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके हैं उन पे उनको जाके समझा रहे हैं कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो। प्रधान जी, देश भर में कोरोना की जो चल रही है वायरस का मामला चल रहा है, तो आप हंसी श्री श्याम खाटू मंदिर के प्रशासक माने जाते हो, तो आपने क्या एडवाइजरी अपने भक्तों के लिए की है? जारी हमने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के लिए का निर्णय लिया है। इस बारे में हमारे मंदिर ट्रस्ट की एक आपात बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि जो शाम के सभा में हमारे संकीर्तन वगैरह होते हैं उनको तुरंत प्रभाव से हमने कल से रोक दिया है। मंदिर में हमने शाम भक्तों से निवेदन किया है कि दर्शन के लिए मंदिर खुले हैं, आप दर्शन करें, ग्रुपबाजी या भीड़ वगैरह इकट्ठी ना करें, पूरा प्रशासन को सहयोग दे, उससे आपका भी फायदा है, समाज का भी फायदा है और पूरे देश को भी फायदा है। आप सभी से जो हमारे श्याम भक्त हैं आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी के दर्शनार्थ मंदिर खुला है, आप दर्शन करेंगे और दर्शन करते हुए अपने घरों को चले जाएंगे। मंदिर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मंदिर में जितनी भी घंटियां हैं सब उतरवा दी गई है या बांध दी गई है, मंदिर के बाथ बेसन पर हाथ धोने के लिए लिक्विड रखा गया है, मंदिर के अंदर पूरा ध्यान रखा गया है कि हाँ भी किसी प्रकार का भी वायरस ना रहे। दूसरे कल मतलब कर्फ्यू का जो जनता कर्फ्यू का प्रोविजन हमारे मोदी जी ने रखा था उसका भी मंदिर में पूर्ण पालन रहेगा। कल प्रातः 7 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक मंदिर पट बंद रहेंगे, दर्शन भक्तों के लिए नहीं होंगे। भक्तों से अनुरोध रहेगा कि कल प्रातः 7 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक मंदिर में दर्शनार्थ न आए। मंदिर के जो दर्शन है कल प्रातः 7 बजे से पहले खुले रहेंगे और या रात्रि को 9 बजे के बाद खुलेंगे, 9 बजे के बाद शैन आरती होगी और मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। श्याम परिवार कोरोना वायरस के से लड़ने के लिए पूरे देश भर के अंदर प्रयास कर रहा है,
और इसका आप देख भी रहे हैं कि 300 साल के इतिहास में पहली बार हमारे खाटू धाम जो मुख्य धाम है श्याम प्रभु का, उसके दरबार 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर पूरे देश के नहीं विश्व के कोने कोने से श्याम भक्त आते हैं और ज्यादा गैदरिंग होने की वजह से कहीं वायरस ना फैले, इसलिए श्याम भक्तों ने मंदिर कमेटी ने खाटू धाम ने यह निर्णय लिया कि 31 मार्च तक पट बंद कर दें। 300 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे श्याम प्रभु का मुख्य धाम भक्तों के दर्शन के लिए बंद है। हम यहां भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई वायरस ना फैले, भक्तों को तकलीफ ना हो, लेकिन दर्शन इसलिए खुले रखे गए हैं कि यहां पर इतनी ज्यादा तादाद में भक्त नहीं आते, और वो भी जो भक्त आते हैं वो स्थानीय भक्त हैं, उनको असुविधा ना हो इसलिए दर्शन खुले रखे गए हैं, लेकिन गैदरिंग ना हो उसके लिए संकीर्तन वगैरह जो भी चीज है वो सारी चीज बंद कर दी। हांसी वासियों से और सबसे यही अपील है, हमारी हिंदू महासभा की तरफ से जन जन से यही अपील है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल 65 साल से बड़े बुजुर्गों को अपने घर में ही रखें, क्योंकि वो थोड़े से अपने मुताबिक थोड़े से वीक माने जाते हैं जिनको कोरोना वायरस जल्दी लग सकता है, और घर पूरी सावधानी रखें। कल कर्फ्यू लगाया गया है, वो भी हमारे लिए ही लगाया गया है ताकि हम बाहर ना निकल सकें। अगर हम 24 घंटे घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो हवा में कोरोना वायरस फैला हुआ है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इतना हम और तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसका पूरी तरह से पूर्णतः तौर से इलाज नहीं मिला हुआ है, तो हम जितना बन पा रहा है हमसे हम उतना करेंगे। उसके लिए हमें घर में साफ सफाई रखनी है, बाहर भी साफ सफाई रखनी है, और अपनी भी पूरी साफ सफाई रखनी है, और रोकथाम के लिए हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। क्या संदेश देना चाहती हूँ जनता को? मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिएगा। लिप सिंह। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मैं आरुई ग्रोवर डॉक्टर अमित ग्रोवर आप सभी से अपील करती हूँ, कल 22 मार्च को मोदी जी के जनता कर्फ्यू का समर्थन करें और घरों से बाहर ना निकलें, खुद का और समाज का बचाव करें, हम सबको साथ निभाना है, कोरोना को भगाना है। जय हिंद जय भारत जय हिंद जय। तब आपको क्या नाम है? ईशान तनेजा। तो आपने आज मास्क बांटे हैं? मास्क? हाँ जी, मैंने मास्क बांटे। मैं चाहता हूँ सब सेफ रहें, अभी से सेफ हो जाएं तो हमें आगे ही अपनी सेफ हो सकते हैं, हम आगे के लिए। अगर हम अभी मास्क पहनेंगे रहेंगे तो हम अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि सब मास्क डालें ताकि हमारे शहर हमारे पूरे देश में कोई भी किसी की बीमारी को किसी को ना लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें एक जने को होगी उससे पूरी फैमिली को होगी। इससे अच्छा आप सब डालें, फैमिली को सबका ध्यान रखें। मेरी दुकान का नाम मॉडर्न गिफ्ट गैलरी उमरा गेट पे है, मैंने मास्क दिए हैं। मेरे को वो नहीं है कि मेरे को सिर्फ आप मास्क डालें, और इसे मास्क में सबको कहें कि मेरे शॉप पे मास्क हैं, आप आके मेरे से मास्क लें, कोई इससे पैसे नहीं लिए जा रहे, आप प्लीज़ आके मेरे से मास्क लें और सबको पहनाएं मास्क। जिसको जो आपको लगता है कि किसी को खांसी है आप उसे दूर रहें, क्योंकि यही चीज़ है, अगर हम अभी सेफ हो जाएंगे तो हम सब सेफ हो जाएंगे। ये नहीं कि अभी से नहीं पहनेंगे, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है, इसको सीरियस लो, बहुत बेकार गंदी बीमारी। और कल 22 तारीख को अपने कोई भी घर से बाहर ना निकले कहीं भी। ये तो हमारा नैतिक फर्ज है कि हम सब मिलकर ये जो वायरस कोरोना नाम की बीमारी सारे देश विदेश में फैली हुई है, इससे अपना भी बचाव रखें, पूरे संसार का बचाव रखें। इसका बचाव तभी होगा जब, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है, कि हम कम से कम बाहर निकलकर किसी चीज को छुए ना, हर एक चीज बचाव रखें, कहीं बार भीतर जाए तो अपने हाथ धोएं, जूते जराब है वो बाहर निकालें, स्वच्छता का ध्यान रखें, कहीं कूड़ा करकट है उससे बचाव रखें, तभी हम इसमें सफल होंगे कि ये बीमारी कम से कम आदमी बचाव रहे, जा हमारे देश में तो कम से कम ना फैले।